अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं संजरी मोबाइल रिपेयरिंग शॉप। दोस्तों, ये वीडियोस मोटरोला का मोबाइल है और इसके अंदर हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे चार्जिंग के संबंधित, जो चार्ज नहीं हो रहा है। बहुत से मोबाइलों में आज ये इशू आ रहा है कि चार्जिंग बताता है मगर होता नहीं है। यह आप, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था लेकिन उसमें कंप्लीट प्रोसेस नहीं दे पाया था, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट दिखाऊंगा पूरा कि मल्टीमीटर से चेक करने पर पहले क्या बताता है और चार्जिंग कनेक्टर या आईसी लगाने के बाद क्या बताता है, आखिर ऐसा होता क्यों है। बहुत से हमारे भाई ऐसे हैं कि जो बार बार जो है केबल वगैरह चेंज करते रहते हैं और नया केबल लेके जाएंगे तो फिर कुछ दिन चार्जिंग होगा तो फिर ख़राब हो जाएगा, फिर केबल लेके जाएंगे फिर ख़राब हो जाएगा। आखिर इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि इतना ज़्यादा केबल ख़राब हो रहा है और नया केबल लाओ तो दो तीन दिन चलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट प्रोसेस देंगे आपको और अच्छी नॉलेज आपको मिलेगी। मोबाइल रिपेयरिंग के अंदर जितनी नॉलेज हो उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि उतने ही सफाई के साथ मोबाइल रिपेयरिंग का काम आप कर पाओगे। तो आइए हम इसको पहले फटाफट खोल लेते हैं और फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस इसका बताता हूँ कि किस तरह से इसे रिपेयर किया जाएगा और किस तरह से रिपेयर करें ताकि बाद में फिर कस्टमर उसे लेकर के फिर ना आए, क्योंकि दुकान का जो इमेज है वो जब बार बार कस्टमर लेकर आता है तो उससे इमेज ख़राब होता है। तो दोस्तों, आप लोग कोशिश करें कि एक बार ही में ऐसा बिल्कुल बनाएं ताकि कस्टमर जो आए वो संतुष्ट हो आपसे कि हाँ जो है बढ़िया बन गया और चल भी रहा है अच्छे तरीके से। तो मोटरोला का मोबाइल काफ़ी दिनों से मैं वीडियो भी नहीं डाल पा रहा था और इसके लिए थोड़ी सी व्यस्तता आ गई थी, इसके लिए माजरत चाहते हैं। लेकिन यह है कि अब इंशाल्लाह जो है टाइम टू टाइम वीडियो मैं आप तक पहुंचाऊंगा और रिपेयरिंग के से संबंधित बहुत से वीडियो हमने रिकॉर्ड किया है लेकिन अभी उसको जो है एडिटिंग नहीं कर पाए हैं, तो कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उसे एडिटिंग करें। हमने ये पैनल खोल लिया है, आप देख रहे हैं कि पैनल खुला हुआ है। अब चार्जिंग पिन हमने लगाया और देखिए यहाँ पर हमने डीसी 20 पर हमने अपने मल्टीमीटर को सेट कर दिया है। अब हम इसे, अभी हमने इसमें इसको रिपेयर नहीं किया, मैंने अभी इस पर हम चेक करेंगे करंट की कितना करंट ये दे रहा है पिन। जाहिर सी बात है पिन का एक जब हो रहा है तो करंट तो दे रहा होगा, 5.40 यानी 5.40 ये करंट दे रहा है पिन पर। अच्छा, चार्जिंग पर 4.59 बैटरी कनेक्टर पर दे रहा है, ये बैटरी का जो कनेक्टर है वो 4.59 या 8 इतना ये करंट दे रहा है। अच्छा, दो तरफ से। अब इसका बनाने के बाद यानी जब हम इसे रिपेयर करेंगे, रिपेयर करने के बाद फिर ये कितना करंट देगा, ज़रूरी कितना है जिससे चार्जिंग मोबाइल उठा ले और चार्जिंग हो। दोस्तों, अगर नया जो है देखा जाए कोई चालू मोबाइल जिस तरह से चार्जिंग भी कर रहा हो तो वो भी करंट इतना ही बताता है, 4.3 सादा मोबाइल होगा 2 कुछ है, इसी तरह से वो करंट बताएगा। लेकिन आखिर इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि आखिर चार्जिंग जब करंट उतना ही बताएगा तो इसमें चार्जिंग जो है सेव क्यों नहीं हो रहा है, चार्जिंग बैटरी के अंदर भर क्यों नहीं रहा है, और बनाने के बाद भी जब उतना बताएगा तो उस वक्त आखिर भरने कैसे लग जाता है, ये नहीं समझ में बात आती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। जो लोग केबल से परेशान है ना कि इतने सारे केबल ले लो, जो है घर के अंदर इतने केबल पड़े हुए हैं उनके कि उनके घर के अंदर उससे ज़्यादा जो है और कोई चीज़ ही नहीं नज़र आता, जिधर देखो उधर केबल लटका हुआ है, केबल ले लेके परेशान है। तो कोशिश करेंगे कि आज आपको इसके बारे में पूरा फुल नॉलेज किया दिया जाए। ये हमने प्लेट को अलग कर दिया है
और अलग करने के बाद हम इसे एक बार और चेक कर लेते हैं कि क्या इसका जो है करंट जो हमने चेक किया था जो है प्लेट के अंदर और मिडिल के अंदर लगा हुआ, तो क्या उसके अंदर जो करंट आ रहा था वही अभी भी है या उससे कम ज़्यादा हुआ है। तो 5.34 तकरीबन करंट वही आ रहा है पिन पर और उससे कम ज़्यादा नहीं। और ये देखिए 5.35 सही है, वही करंट तकरीबन आ रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे कि इसे हम जो है चेंज भी करेंगे और देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसकी जो आईसी है कंडेंसर है उसके आसपास में कहीं कोई चीज़ शॉर्ट सर्किट तो नहीं हुआ है, कि कोई दिक्कत तो नहीं आई है जिससे करंट सेफ नहीं हो रहा है, फेक चार्जिंग बता रहा है, झूठी चार्जिंग बता रहा है, इस किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नज़र तो नहीं आई है इस किस्म की प्रॉब्लम। तो आइए इसको हम पहले चार्जिंग जो पिन है उस पिन को हम निकालते हैं। दोस्तों लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर दोनों पिन में क्या फ़र्क है, उसमें भी करंट दे रहा था इसमें भी करंट बता रहा है, तो दोनों में आखिर फ़र्क क्या था कि वह चार्जिंग नहीं कर रहा था करंट जो है कनेक्टर, और ये मैंने नया कनेक्टर जो लगाया है तो आखिर ये चार्जिंग उतना ही करंट दे रहा है लेकिन ये चार्जिंग भरना क्यों शुरू कर दिया, आखिर इसे चार्जिंग होना क्यों शुरू किया, 100% कैसे हो गया इसे चार्जिंग, करंट तो वही दे रहा है। तो ये मैं आपको लास्ट में टिप्स एंड ट्रिक है, इसे मैं लास्ट में आपको बताऊंगा और आप भी समझ जाएंगे कायदे से कि आखिर इसी वजह से ये ऐसी आती है। और केबल बार बार ना लेना पड़ेगा, इसके लिए भी आइडियाज़ मैं आपको दूंगा। तो हमने इसे प्लेट पर सेट कर लिया है और इसमें पेस्ट लगाएंगे हल्का सा। पहले देखिए पिन बदलने का आसान तरीका यही है कि उसके ऊपर हल्का सा पहले पेस्ट लगा लिया जाए, किसी भी जो है ट्यूज़र के द्वारा या और किसी के द्वारा आप पेस्ट लगा लें। पेस्ट लगाने के बाद देखिए आपको शायद दिख रहा हो कि कनेक्टर के जस्ट बगल में ही एक यह एलईडी है, यानी लाइट है, जो लाइट हम जानते हैं फ्लैश लाइट होगी जो है सामने की, तो कनेक्टर के बगल में। अब SMD से अगर हम हीट मारेंगे तो वो लाइट जो है वो जल जाएगी, तो हमने उसको ढकने के लिए एक पुराना चार्जिंग कनेक्टर को उसी के ऊपर रख दिया है ताकि वो जो है छुप जाए और वो हिडन हो जाए, ताकि अगर हम हीट मारूं, देखिए SMD से हीट मार रहा हूं ना, अब उसके ऊपर जो है असर नहीं जाएगा। ये पिन हमने बाहर कर लिया है और बाहर करने के बाद ये देखिए हमने इसको भी हटा दिया क्योंकि अब उसका काम ख़त्म हो गया, अभी लगाएंगे तो फिर उसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। अब इसके हम जूम करते हैं, जूम करके उसके बाद फिर ये देखिए दोस्तों, तो ये हमने यहाँ भी कोई इशू नहीं है, सारे के पॉइंट्स पकड़े हुए थे, अच्छे से चिपके हुए थे, सारा शोल्डर एक दूसरे से लगा हुआ था, सब कुछ बढ़िया है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं थी जो है उस पिन के अंदर भी। लेकिन असल में हो क्यों नहीं रहा था चार्जिंग, ये बताना असल मकसद है कि उसको होना चाहिए था उसे चार्जिंग। तो ये पिन हमने इसके ऊपर जो है बराबर देख लिया है कि हाँ यही पिन है, इसके अंदर बैठ जाएगी कि नहीं बैठेगी। और पिन लगाने से पहले मैंने पहले भी आपको बताया है कि पिन लगाने से पहले पिन के जो 5 पॉइंट हैं उन पॉइंटों पर आप सोल्डर कर लें, ताकि नीचे से उसको सोल्डिंग कर लें ताकि उसके अंदर कुछ सोल्डर लग जाए, ताकि जब हम प्लेट पर इसे रखें SMD के द्वारा और तो फौरी तौर पर ये प्लेट से अटैच हो जाए, अटैच होगा तो उसके अंदर मजबूती बढ़िया आएगी। तो पिन को इसी तरह से देखिए सोल्ड करिए आप बड़े ही आराम से और हल्के हल्के हाथों से करिए, ज़्यादा दबाएंगे तो प्लास्टिक जो है जो फाइबर होता है वो पिघल जाता है और पिघलने के बाद फिर दिक्कत हो जाएगी ये कि जो है ये अंदर से पॉइंट्स जो है इसके 5 जो पिन है वो अलग अलग हो जाते हैं। ये हमने पिन के ऊपर सोल्डर इसलिए रखा है जो है CC पर, पिन पर तो हम ये इस समय कर रहे हैं, उससे पहले हमने CC पर भी यहाँ ऊपर जो है दोनों तरफ से जो जॉइंट होता है इसका जो है उस जॉइंट को और ज़्यादा मजबूती देने के लिए हमने ऊपर भी सोल्डर लगा दिया ताकि जॉइंट भी इसका फैले नहीं। बहुत से मोबाइलों में आपने देखा होगा कि पिन बिल्कुल फैल जाता है और पूरा हिलता है दाएं से बाएं ऊपर से नीचे,
पूरा जो है जंप करता है, हिलता है पूरी तरह से। तो अगर शोल्डर रख दिया जाए तो वो इधर दाएं बाएं या ऊपर नीचे ये पिन फैलता नहीं है, इसीलिए उसे उसमें शोल्डर रख दिया जाता है, चिपका दिया जाता है उसे। दोस्तों अब ये जो है पिन हम लगा रहे हैं, एक नया पिन लगा रहे हैं इसके अंदर सीसी, ताकि आपको जो है मैं बता सकूं कि न्यू और पुराने सीसी के अंदर जो करंट था उस करंट की वैल्यू क्या है और आखिर इसमें और उसमें फ़र्क क्या है। उससे करंट दे रहा था तो चार्जिंग नहीं हो रहा था, इससे करंट दे रहा है तो चार्जिंग हो रहा है, आखिर इसकी वजह क्या है। अगर आप भी केबल्स ले लेके परेशान हैं तो इस वीडियो में पूरी तरह बने रहें, हम आपको पूरा फुल कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। ये हमने पिन को लगा दिया है इसके अंदर, अब SMD के द्वारा ही इसे लगाया जाता है और बड़े ही आसानी से SMD से इसे लगा दिया जाता है, वरना आप आयरन की मदद से अगर लगाते हैं तो थोड़ी परेशानी होती है, दिक्कत होती है। लेकिन एक बात ध्यान में रखें दोस्तों कि SMD से लगाने में इसमें दिक्कत ये है कि ज़्यादा अगर आप हीट दे देंगे तो अंदर का जो फाइबर होता है सीसी के वो गल जाएगा, वो पिघल जाएगा, इसीलिए प्लेट पर ज़्यादा हीट दें और फिर जो है सीसी पर कम। अच्छा, जब आप जो है चार्जिंग कनेक्टर बोर्ड पर फिट कर दें उसके बाद इसे चारों तरफ से चारों जो है जो इसका जो है ट्रैक होता है उस पर साल्डर लगा कर काफ़ी मजबूती दे देना चाहिए, ताकि ये जो है जंप ना करे, ये उसके अंदर ज़रा सा भी हिले नहीं। दोस्तों अगर ये हिलता है या जरा हल्का फुल्का भी अगर इसके अंदर किसी किस्म का जो है लूजपन आता है तो फौरी तौर पर पीछे लगे हुए जो 5 पिन होते हैं वो पिन सॉल्डर से जो है अलग हो जाते हैं और वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, इसीलिए इन 4 पिनों पर काफ़ी मजबूती देना चाहिए। देखिए कस्टमर इसी पर आधारित होता है, इसी 4 पिन पर बहुत से ऐसे वेली हैं, रिपेयरिंग वाले हैं जो इस चार पिन पर मजबूती नहीं दे पाते हैं। आम तौर पर रखे और फौरी तौर पर जो है पीछे से जो है जो पिन है उसको सोल्ड कर दिए, चार्जिंग बता दिया, दे दिए कस्टमर को। अब कस्टमर सब एक तरह से नहीं होते हैं दोस्तों, कस्टमर भी अलग अलग होते हैं। कुछ कस्टमर रहते हैं तो जिनको जानकारी नहीं होती है, कुछ कस्टमर रहते ऐसे होते हैं जो खुद चार्जिंग पर नहीं लगाते हैं, वो छोटे बच्चों को दे देते हैं चार्जिंग पर लगा के आ जाओ। अब छोटा बच्चा कभी उल्टा भी डालता है, कभी सीधा भी डालता है, दोनों तरफ से डाल देते हैं, तो ज़रा सा भी लूज़ अगर होगा तो बच्चा क्या समझेगा कि जो है इसके अंदर जो है पिन इसका लूज़ है क्या है। वो तो अगर उल्टा भी डालेगा तो वो ज़ोर से ताकत लगाएगा, और आप अगर साल्डर नहीं किए हैं तो फिर क्या होगा कि वो पिन फौरी तौर पर हिल जाएगी और पीछे से उसका जो पिन है मेन वो ख़राब हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया, हमने साल्डर कर दिया चारों को ट्रैक को और मजबूती के साथ। अब हम इसका जो पिन है 5 पिन उसको हम चिमटे की मदद से एक दूसरे के ऊपर सटीक कर लेंगे बिल्कुल। कभी कभी ऐसा होता है कि हल्का फुल्का दाएं बाएं होते हैं तो उसको बिल्कुल उसी साल्डर के प्लेट के साल्डर के ऊपर उसे एकदम सटीक तरीके से फिट कर लें। फिट करने के बाद साल्डर मशीन लें, आयरन लें और उसमें साल्डर लगाकर पेस्ट भी लगाना ना भूलें। अगर आप पेस्ट नहीं लगाते हैं तो बहुत सारे जगहों पे देखा होगा आपने, बहुत मरतबा ज़िंदगी में तजर्बा हुआ होगा कि पिन आपस में सॉल्ड हो जाते हैं, एक दूसरे से टच हो जाते हैं, लेकिन अगर आप साल्डर के साथ साथ अगर आप पेस्ट भी लगाते हैं तो पिन आपस में टच नहीं होते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखें। उसको दोस्तों बार बार देखें, अगर आपके पास छोटो माइक्रोस्कोप है, छोटा वाला लेंस है तो छोटे वाले लेंस से आप भी देखें, बार बार उस पिन के अंदर देखें कहीं कोई हल्का फुल्का भी तो नहीं है कभी। और देखिए मैं देख रहा हूँ, देख करके और चिमटी से आए या ट्यूजर से हमने प्लस और माइनस जो चार्जिंग होता है उस प्लस और माइनस के चार्जिंग वाले कनेक्टर को हमने चिमटी से दबा के देखा कहीं उसके अंदर जंपिंग तो नहीं है, प्लेट से पूरी तरह मजबूती से अटैच है कि नहीं है। ये दो चीज़ें आप उसके अंदर ख्याल कर लें तो इंशाल्लाह कभी कस्टमर वापस नहीं आएगा कि मेरे चार्जिंग का इशू हो गया है। अच्छा, अब ये देखें नया पिन लगाया चूँकि, तो एक दो बार अगर जाने आने में उसको दिक्कत हो रही है तो आप खुद ही दो चार मरतबा उसे जो है प्ले कर दें,
क्योंकि कस्टमर लेके जाता है तो फिर वो दिक्कत हो जाती है, अगर वो सही तरीके से नहीं लग रहा है, बहुत जाम है, तो वो खुद ही जो है बहुत ज़्यादा ताकत लगा देता है। अब इसके अंदर करंट देखें 5.2, 5.53, तो तकरीबन करंट तो वही आ रहा है जो करंट इससे पहले आ रहा था, वही करंट अब भी आ रहा है। लेकिन आखिर अब इसको जो है हमने लगा दिया है चार्जिंग पिन को, अब अगर हम प्लेट के अंदर इसे सेट करेंगे तो दोस्तों आप देखेंगे कि बड़ी आसानी से और बड़े तेज़ी से इसका करंट जो है चार्जिंग ये भर रहा है। अच्छा, इसकी वजह क्या है, जो टिप्स एंड ट्रिक मैं बता रहा था आप लोगों को कि आखिर इसकी वजह क्या है कि क्यों ये जो है ऐसा होता है, तो सबसे पहले ये बात समझ लें आप लोग कि मोबाइल रिपेयरिंग के अंदर और मोबाइल चार्जिंग कनेक्टर के अंदर ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता है जो फेक चार्जिंग का होता है। सिर्फ तो सिर्फ कनेक्टर के अंदर हल्का कार्बन आ जाने से ये इशू पैदा होता है। आसान भाषा में समझिए, कार्बन हल्का फुल्का आ जाता है, उसी से इशू। और ये बार बार लोग एक दूसरे का केबल एक दूसरे के मोबाइल में लगाते हैं तो ये बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से फेक चार्जिंग बताता है। अब हम ये प्लेट को जो है उसके मिडिल के अंदर हम जो है असेंबल कर रहे हैं, तो आपको मैं इशू बताता चलूँ। सबसे पहले एक काम ये करें आप कि अगर बार बार आप केबल बदलते हैं, सबसे पहले एक काम करें कि अपना ही मोबाइल अपने जो है कि अपने केबल से अपना ही मोबाइल चार्जर पर लगाएं। सबसे पहला कंडीशन ये आप जान लें, अगर एक मोबाइल जो है एक केबल और एक ही मोबाइल से चार्जिंग एक केबल से चार्जिंग अगर होता है तो ये जान लें कि 95% आपका ये जो है मसला हल हो जाता है कि आपका ना केबल ख़राब होगा और ना ही मोबाइल का कनेक्टर ख़राब होगा और ना ही ये इशू आएगा। दूसरी बात ये है कि दोस्तों जो चार्जिंग भरता नहीं है और करंट उतना ही जो दोनों बता रहा है, आप समझ जाएं कि जब हम चेक कर रहे थे चार्जिंग इसका दोनों समय चेक करने में, जब हम पहले चेक किए हैं तब भी उतना करंट, जब बाद में चेक किया तब भी उतना करंट। लेकिन एक चीज़ जो है कॉमन थी कि जब बैटरी हम उसके अंदर नहीं लगाए हुए थे, जब हम चेक कर रहे थे तो हम बैटरी उसके अंदर नहीं लगाए हुए थे, ओनली सिर्फ प्लेट पर हम चेक कर रहे थे करंट कितना जा रहा है। अब वही चीज़ बैटरी लगा करके आप जब देखेंगे तो पहले वाले कनेक्टर से 2.5 आ रहा था बैटरी लगा करके, यानी कि जब लोड पड़ रहा था इसके ऊपर तो वो कार्बन के ज़रिए वहाँ शॉर्टिंग हो रही थी, कार्बन के ज़रिए वहाँ पर स्पार्क हो रहा था, यानी कि वहाँ कार्बन जमा हुआ था और उसी की वजह से करंट वहीं पर ही लो हो जाता था जब इस पर लोड पड़ता था। अच्छा, नए पिन के साथ ये होता है कि अंदर कार्बन तो है नहीं, जितना करंट वहाँ से कनेक्टर से जो है प्लेट पर आएगा टोटल चीज़ें जो है टोटल करंट आपके बैटरी तक वो पहुँचा के ही छोड़ेगा। यही फ़र्क होता है और इसीलिए ऐसा होता है कि आप केबल जो है ले लेके परेशान होते हैं। जब पहला केबल लेके जाएंगे 15 दिन चलाएंगे तो फौरी तौर पर वो क्या होगा कि चार्जिंग स्लो कर देगा। अच्छा, फिर दूसरा केबल लेके जाएंगे, क्योंकि कार्बन तो जो है मोबाइल के जो है सीसी के अंदर है, चार्जिंग कनेक्टर के अंदर है। अब चार्जिंग कनेक्टर के अंदर जो कार्बन है वो कार्बन जब तक चार्जिंग कनेक्टर बदला नहीं जाएगा वो कार्बन ख़त्म नहीं होगा। आप 10 जो है केबल लगा लीजिए उसके अंदर, ज़्यादा 10 दिन 15 दिन बढ़िया चार्जिंग करेगा, उसके बाद फिर वही प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। और वो ये कार्बन जब तक साफ़ नहीं करेंगे तब तक सही नहीं होगा। आप इन्वर्टर की बैटरी देखे होंगे कि उसके अंदर वो जो है ज़्यादा कार्बन आ जाते हैं तो फिर उसको जो है बैटरी बहुत कम चलने लग जाती है। फिर कार्बन ख़त्म करने के लिए इन्वर्टर के बैटरी पर हम गर्म पानी वगैरह डालते हैं तो उससे कार्बन सही होता है, या रेती लेकर के ग्लेंडर लेकर के उसको साफ़ करते हैं बढ़िया से रेक मार्क से, उसके बाद फिर लगाते हैं तो बैटरी फिर बैकअप उठा लेता है, बैटरी अच्छी चलती है। बहुत से मोबाइलों के अंदर ऐसी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है कि जब हम जो है ये
ये देखिए दोस्तों, चार्जिंग ये उठा लिया और ये 100% चार्जिंग, फुल चार्जिंग हो रहा है। इसमें कोई इशू नहीं, कोई मसले ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है कि ये चार्जिंग ना हो या ऐसी कोई बात नहीं है। कस्टमर को हम आज बना के दे रहे हैं, लेकिन ये वापस कस्टमर नहीं आएगा, क्योंकि हमने पिन भी इसका बहुत मजबूत डाल दिया है ताकि पिन के अंदर कोई इशू ना आए। और फिर हमने इसका चार्जिंग कनेक्टर भी बदल दिया है। और मैं ये बता रहा था आपको कि जो है बैटरी जो होती है, बैटरी के पॉइंट पे जब करंट आते हैं, करंट जो कार्बन आता है, तो वो बहुत कम चलता है। बहुत से मोबाइल ऐसे हैं जिन मोबाइलों के अंदर बीसी पॉइंट पर, यानी बैटरी कनेक्टर पर जो है हल्का फुल्का जो है ये बहुत मामूली से सुई के नोक के बराबर भी करंट आता है, कार्बन आता है, तो वो भी नहीं चलता है। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया जो है वीडियो देखने के लिए। अस्सलाम।